आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। तप और त्याग की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और इसी तप और त्याग से मेरी बेटी का प्यार बना है। और इस प्यार का रंग इतना कच्चा नहीं है कि मुंबई की बारिश में उतर जाए। हाँ, मैं अनुज से नाराज हूं। अनुपमा के सामने अनुज के प्यार को लेकर सवाल भी उठाए थे, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूं कि अनुज के दिल में अनुपमा हो या ना हो, लेकिन और कोई नहीं है। और जहां तक तुम्हारी बात है, हो सकता है कि तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन एक कमी तुम में हमेशा रहेगी, ना तुम अनुपमा हो ना बन सकती हो। तो अनुज के सपने देखना बंद करो। जिसने चांद से प्यार किया हो उसे कांच से प्यार नहीं होता। बूढ़ी आंखें बहुत दूर तक देखती हैं। आज अनुज की बातें सुनने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं कि अनुज और अनुपमा एक दूजे के लिए ही बने हैं। बिछड़े जरूर हैं, लेकिन अलग होने के लिए नहीं, फिर से एक होने के लिए। देखते हैं। देखोगी, जो मैंने कहा उसे होते हुए जरूर देखोगी। जी? हाँ, वो अभी अभी गई। जी चली गई? हाँ। मैं भी चलता हूँ। आप पक्का दूसरे फ्लैट में रहना चाहते हैं, यहाँ नहीं रहना चाहते? मैं अपने दोस्त के फ्लैट का एड्रेस भेज दूंगा। प्लीज कल छोटी को मेरे पास वहां भेज दीजिएगा। मैं जा रहा हूँ। छोटी को कहना नहीं चाहता, वरना वो रोना शुरू कर देगी। और मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है। अभी तो आप जा रहे हैं अनुज, पर बहुत जल्दी आप मेरे पास लौटेंगे, वो भी हमेशा के लिए। मेरा प्यार आपको मेरे पास वापस जरूर लेकर आएगा। अभी तक नहीं आई, कमाल है, पता नहीं कब आएगी। अनुज छोटी को साथ लाएगी ना? कब आएगी? माँ, 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 कहाँ रह गई थी तू? इतनी देर क्यों लगा दी? अनुज बोले, हाँ, अनुज, उनसे बात हुई? क्या कहा उन्होंने? वो मान गए? कहीं वो तेरे साथ तो नहीं आए छोटी को लेकर? साथ में नहीं, नहीं आए। मुझे पता था वो नहीं आएंगे। मेरे कपड़िया जी जब गुस्सा होते हैं ना तो एकदम आग बबूला हो जाते हैं, तब उन्हें मैं ही मना सकती हूँ। वो ठीक है, वो ठीक है माँ। मेरे बारे में कुछ कहा उन्होंने? कुछ पूछा? छोटी मिली क्या? हाँ, मेरी छोटी, मेरी बेबली मिली क्या वहां पर? क्या क्या कह रही थी वो? उससे मम्मी के बारे में पूछा? मुझे याद करती है कि भूल गई? मेरे बारे में पूछा उसने? माँ, माँ तू चुप क्यों खड़ी है? बता नहीं क्या क्या कह रहे थे? अनुज ने क्या कहा? क्या क्या बातें हुई तुम दोनों की? क्या वो मुझसे अभी तक नाराज है क्या? हाँ, अभी तक उन्हें लगता है कि सब मेरी गलती की वजह से हुआ है?
वो उनका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ, मतलब उनसे तूने बात की, तूने उन्हें देखा, तुझे ऐसा लगा कि वो मुझे मिस कर रहे हैं, तुझे ऐसा लगा माँ तेरी बात हुई नहीं उनसे, उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा कि अनुपमा कैसी है क्या, कुछ पूछा उन्होंने मेरे बारे में, माँ बताने माँ। आप प्लीज अनु से कहिएगा कि उसकी जिंदगी की किताब में जो अनुज का चैप्टर था ना, वो चैप्टर खत्म हो गया माँ जी। प्लीज मेरी अनु को फिर से जीना सिखा दीजिए, उसे मेरे बगैर जीना सिखा दीजिए माँ जी। आप प्लीज मेरे लिए ना मेरी अनु से कह देना कि मैं वापस नहीं आ रहा। हाँ कहा ना, बहुत कुछ कहा, तुम्हारे लिए संदेशा भी भेजा है। सच सच अनुज ने मेरे बारे में कहा क्या? यही कि वो वापस नहीं आ सकता, वापस नहीं आ सकता, वापस नहीं आ सकता, वापस नहीं आ सकता। तू इसका इंतजार मत करना। नहीं, मेरे अनुज ऐसा कह नहीं सकते हैं। नहीं 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 माँ, तू झूठ बोल रही है, मेरे अनुज ऐसा कह ही नहीं सकते। माँ तू झूठ, एक मिनट तो मने खबर छे ये तू और वो मिलकर मुझे उल्लू बना रहे हैं, मुझे उल्लू बना रहे हैं। यही सच है, अनुज वापस नहीं आएगा। तू उसकी उम्मीद, तू उसका इंतजार करना छोड़ दे। उसने कहा कि तुम्हारे और उसके रिश्ते में कुछ ऐसे निशान पड़ गए हैं जो कभी मिट नहीं सकते। अब ना अनुज पहले जैसा रहा और ना तुम्हारा रिश्ता। उसने ये भी कहा कि वो तेरे बिना जी सकता है लेकिन अपनी बेटी के बगैर नहीं, इसलिए वो वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा। अनु 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 संभाल अपने आप को, अनु सब खत्म हो गया। ऐसा मत कहना बेटा, जीजा जी को पता नहीं वो क्या खो रहे हैं। अनु अनु जिंदगी में इतना कोई जरूरी नहीं होता जिसके बिना जिंदगी ना चल सके। सब खत्म हो गया, सब खत्म। चोट लगती है, दर्द होता है, लेकिन फिर भी जीना पड़ता है। अनुज तेरी जिंदगी में आने से पहले भी तू जी रही थी ना, तो अब अनुज के चले जाने के बाद भी तू जिएगी। सब खत्म हो गया। अनु अनु कुछ तो बात कर। अनु भविष्य देख रहा। अरे
कुछ तो बात कर। माँ मुझे यकीन नहीं हो रहा कि चीचा जी ने ये सब कहा। उन्हें पता भी था कि वो क्या कह रहे हैं। जो उसकी जुबान ने कहा वो मैंने बताया, लेकिन जो उसकी नजरों ने कहा वो मैं नहीं बताऊंगी। नहीं बताऊंगी कि मैंने अनुज की आंखों में अनुपमा के लिए कितना प्यार देखा। नहीं बताऊंगी कि अनुज आज भी अनुपमा को कितना कितना चाहता है। माँ जो बात बतानी चाहिए थी वो आप छुपा रही हैं। हाँ, क्योंकि माँ जानती है बच्चे को कड़वी दवा कब देनी है। दामाद जी अनु से प्यार करते हैं, लेकिन वो छोटे को छोड़कर अनु के पास वापस आना नहीं चाहते। तो फिर मैं अपनी बेटी को ऐसी उम्मीद क्यों दूं जो पूरी नहीं होगी। क्यों क्यों पूरी नहीं होगी? जीजा जी आज नहीं आ रहे, कल नहीं आएंगे, 6 महीने नहीं आएंगे, 1 साल बाद तो लौटेंगे ना। और ना लौटा तो क्या मेरी बेटी दरवाजे पर खड़ी रहकर उसका इंतजार करेगी? माँ वो फैसला लेने का हक सिर्फ और सिर्फ अनु का, आपका नहीं है। आपके इस आधे सच ने अनु का दिल तोड़ दिया है। भावेश, आधे सच ने एक बार तोड़ा है, पूरा सच रोज तोड़ता। रोज उसको उम्मीद देता, रोज उसकी उम्मीद टूटती, और वो उम्मीद मेरी बेटी की जिंदगी को कभी खत्म न होने वाला इंतजार बना देगी। जिंदगी कट जाती है बेटा, लेकिन इंतजार नहीं कटता। ये फैसला लेने से पहले और अनु का दिल तोड़ने से पहले आपका दिल कितने बार टूटा? दरवाजा खोल, हम हैं ना, खोल ना। अनु, अरे कुछ जवाब तो दे। अनु, अनु देख, तुझे दरवाजा नहीं खोलना ना, ठीक है? बस इतना बता दे, तू ठीक है ना अंदर? अनु, रहने दे बेटा। कभी कभी अकेलापन ही दर्द की सबसे बड़ी दवा होता है। आपने तो अपना फैसला सुना दिया, मैं क्या करूं? मैं आपके बिना जीऊंगी कैसे अनुज? मैं आपके बिना जीऊंगी कैसे? मैं आपके बिना जीऊंगी कैसे अनुज? मैं नहीं जी सकती आपके बिना, नहीं जी सकती, मैं नहीं जी सकती, मैं नहीं जी सकती आपके बिना। किसी की अनुपमा या कांताबेन से बात हुई? बापूजी, मम्मी का फोन नानी के पास है और नानी फोन नहीं उठा रही है। फिर से फोन जोड़ और कह बेटा तू अनुज को फोन लगा, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अनुज से आपको क्या बात करनी? तुझे क्यों जानना है? किंजल बेटा, तुम अनुपमा को फोन लगा के देखो। अनु सुन, हमें लगा कि तुझे थोड़ी देर अकेला रहना होगा, इसलिए हमने छोड़ दिया, लेकिन अब बहुत देर हो गई, चल दरवाजा खोल। अनु, अनु, भावेश ये अंदर से जवाब क्यों नहीं दे रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन अब तो रोने की भी आवाज नहीं आ रही। अनु ठीक तो होगी ना? अनु, अनु, अनु दरवाजा खोल। क्या हुआ बेटा? मामा, मम्मी, नानी कोई भी फोन नहीं उठा रहा है बापूजी। कोई भी नहीं? मैंने दिन में मैसेज भी छोड़ा था कि प्लीज कॉल मी बैक, लेकिन किसी ने मैसेजेस तक नहीं पढ़े हैं। ठाकुर जी कहीं कुछ? हाँ, जिसकी हालत देख के लग ही रहा था कि कहीं कुछ। तुम अनुपमा से कब मिले? आज सुबह काम से जा रहा था तो
सोचा अनुपमा से मिलता चलो। कांता बेन ने जब इतनी खरी खोटी सुनाई फिर भी तू उनके घर पहुंच गया। नहीं जाना चाहता था पा, पर क्या करूं, रहा नहीं गया। अनुपमा की बहुत चिंता हो रही थी और उसका जो हाल था वो देख के मेरी चिंता और बढ़ गई। और अब उसके यहाँ कोई फोन नहीं उठा रहा है तो अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं अनुपमा अपने आप को कुछ। अरे कितनी चिंता हो रही थी तेरी, तू ठीक तो है ना? ये अनु ये क्या है? तूने कहा था ना माँ कि जो कुछ भी है मन में उसे पन्नों पे लिख देना चाहिए। अरे पर ये पर्दे की बातें क्यों लिख रही है तू? क्योंकि मेरे मन में यही है, मुझे जीना नहीं है मर जाना है। थक गई हूँ जिंदगी से लड़ते लड़ते, थक गई हूँ खुद को समझाते समझाते, थक गई हूँ। बार बार गिरती हूँ, बार बार हिम्मत करके खड़ी होती हूँ, फिर जिंदगी आके ठोकर मार के गिरा देती है, तो मैं कब तक लड़ूं, कितना लड़ूं, क्यों लड़ूं और किसके लिए लड़ूं, किसके लिए लड़ूं? मुझे समझ में नहीं आता कि मैं हमेशा कम कैसे पढ़ जाती हूँ। मैं सब करती हूँ, मैं पूरा करती हूँ, पूरे दिल से करती हूँ, लेकिन फिर भी काफी नहीं होता, कम ही पड़ जाता है। मैं कम ही पड़ जाती हूँ, हमेशा हमेशा मैं कम पड़ जाती हूँ। 26 साल मैंने उस घर के लिए इतना किया। बापूजी, बच्चे, वनराज के लिए इतना कुछ किया, बिना शर्तों के किया, बिना शिकायत के किया, लेकिन फिर भी कम पड़ गई। पूरे दिल से किया, कम पड़ते। क्या मिला मुझे बदले में? पति से धोखा, सास के ताने, बच्चों की शर्मिंदगी। अब इतने सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते ना, मतलब कमी मुझी में है। मैं अच्छी माँ, अच्छी पत्नी, अच्छी बहू नहीं बन पाई थी। अगर अच्छी होती ना तो दोबारा से मेरा घर नहीं टूटता, दोबारा से मेरा घर नहीं टूटता, मेरे अनुज मुझे छोड़कर ले जाता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।